दिया जिसके खुदाम ख्वाजा साहब सैयद दादगान इस कमेटी की तरफ से इमाम हुसैन की याद में बरसों से सदियों से ये तादिया शरीफ बनाया जा रहा है। ये ईद की 11 से शुरू करते हैं इस काम को और 3 महीने करीब करीब इसमें लग जाती है। सबसे अव्वल तो बांस लाया जाता है अच्छे किस्म का, उसके बाद में वाइट पेपर लगाया जाता है, उसके बाद में गोल्डन परमिट लगाई जाती है। इस तरीके से ये 29 तारीख या 1 तारीख मुहर्रम की ये यहाँ पर मुकबर रामपुरी में रख दिया जाता है। कमेटी की तरफ से इमाम हुसैन की याद में बरसों से सदियों से ये तादिया शरीफ बनाया जा रहा है और मुहर्रम शरीफ के अंदर में हम लोग ये तादिया शरीफ बनाते हैं इमाम हुसैन की याद के। मुहर्रम शरीफ का जो आगाज़ है वो 29 तारीख से हो जाता है और पूरे 10 दिन चलता है। जहाँ तक सवाल है तादिया शरीफ की सवारी का, तो वो 8 तारीख से स्टार्ट होती है। 8 तारीख से स्टार्ट होती है दरगाह के मेन गेट से, वहाँ से लेके तादिया शरीफ की सवारी यहाँ पर छतरी गेट के ऊपर ला के रख देते हैं 8 तारीख। फिर 9 तारीख को यहाँ से सवारी होती है, इमाम बाड़े ले जाके रख देते हैं। फिर 10 तारीख को इमाम बाड़े से सवारी होती है, तो पूरा इधर छतरी गेट दरगाह बाजार होते हुए 16 खंबा होते हुए झाले के अंदर में तादिया शरीफ शराब दिए जाते हैं। जो तादिया शरीफ की सवारी होती है तो वो पूरे सवारी के टाइम पर पूरी मसीह खानी होती है और लंगर तो माशाल्लाह पूरे 10 दिन ही पूरे बल्कि 2 महीने ही चालू रहते हैं। लंगर तो इमाम हुसैन के नाम से पंजतन बाकी न्याज पूरे 2 महीने ही दिखती है और यहाँ तो सैयदों के अंदर में तो ये मामला है कि 12 महीने पंजतन बाकी न्याज दिलाई जाती है। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी बना अस्त हुसैन, सरदार नादार दस्त दर दस्त यदीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। ये हुजूर गरीब नवाज का लिखा हुआ है शेर और इमाम हुसैन की शान के अंदर में तैयार किया जा रहा है। अंजुमन सैयद दादगान खुदाम वली नाज की जानिब से किया जा रहा है, इसके तमाम सरफा जो है खुदाम साहिबान देते हैं। ये ईद की 11 से शुरू करते हैं इस काम को और 3 महीने करीब करीब इसमें लग जाती है। सबसे अव्वल तो बांस लाया जाता है अच्छे किस्म का, उसके बाद में वाइट पेपर लगाया जाता है, उसके बाद में गोल्डन परमिट लगाई जाती है। इस तरीके से ये 29 तारीख या 1 तारीख मुहर्रम की ये यहाँ पर मुकबर रामपुरी में रख दिया जाता है। उसके बाद में जो है तमाम जो खर्चा वगैरह है खुदाम साहिबान देते हैं। ये हमारी नवी पुश्त है इसको बनाने के अंदर। सब सामान जो आता है दिल्ली से आता है, इसका दिल्ली से आता है और बांस से अजमेर से ही देते हैं। तमाम गोल्डन पट्टी है, वाइट पट्टी है, सफेद कावर वगैरह ये किया जाता है और बांस हैं, तमाम अच्छी किस्म की चीज़ें लगाई जाती है। इसमें तैयार हो जाता है ये 29 तारीख तक, तो सबसे बड़ा गुंबद बनता है जी। 12 इसकी जो है गुंबद होती है, छोटी मोटी उम्र हमारे 12 हो जाती है सब। हाँ रोजा मुबारक मामले वाली मुकाम का बनाया जाता है। कितनी लंबाई होगी इसकी पूरी? इसके अलावा जो है जो इसकी रसूमात होती हैं वो आप जन सैयद अदगान से के मालूम कर सकते हैं। इसलिए आपके 16 फोटो 16 और ये 4 अजमेर का सबसे बड़ा ताजिया मान था अजमेर का और इब्न नवाज़ के दरबार का ताजिया। ये कब से बनना शुरू हुआ यहाँ पे इसका इतिहास? ये तैमूरों के ज़माने से हुआ है। खुशा मदद फरमा दीजिए सरकार, गुलामों की लाज रखी है मालिक की लाज फरमा दीजिए, गुलामों की तमाम परेशानियाँ तकलीफों को दूर कर दीजिए, मौला के सच्चे पे मदद फरमा दीजिए, मौला के सच्चे पे मदद फरमा दीजिए, इन सब की हाजिरियों को कबूल फरमा लीजिए, दुआएँ मांगे इनकी दुआओं को कबूल फरमाइए मेरे सरकार, गुलामों की लाज रख दीजिए, आप मालिक हैं आप घर गर्म कर दो तो मेरा पार है, हुजूर मदद फरमा दीजिए, मदद करने वाले हैं आप मदद फरमा दीजिए, तमाम परेशानियों को दूर कर दीजिए, मेरे मौला मदद फरमाइए, या हुसैन इब्ने अली इन सब की हाजिरियों को कबूल फरमाइए, इन सब की दुआओं को कबूल फरमाइए मेरे मौला, मदद फरमा दीजिए, हमारी दुआओं को कबूल फरमा लीजिए, गरम फरमा दीजिए, गरम फरमा दीजिए, गरम फरमा दीजिए, बाक़ी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद।